महादेव अघोरी क्यों बने, ठीक है? महादेव का एक शॉर्टकट, एक विषय रख देता हूं, बाकी जितने लोग हैं, जितने ज्ञानी हैं, महाज्ञानी हैं, ये उसे ढूंढने की क्यों बने, लेकिन क्यों बने उसका एक आधार मैं पकड़ा देता हूं कि क्यों बने महादेव अघोरी। अगर महादेव अघोरी नहीं बनते तो आगे क्या करते, रीजन में बता रहा हूं आपको, उसे सुन लेना आप, ठीक है। एक समय की बात थी, सृष्टि बनाई गई थी, सृष्टि उस समय संतुलन में लाया गया था। राजा दक्ष के पास जब यज्ञ चल रहा था, उस यज्ञ के अंदर ब्रह्मा विष्णु दोनों जन थे, सारे देवी देवता थे, जो बोलते हैं ना 33 कोटि देवी देवता सभी थे, उसमें सिर्फ महादेव नहीं थे, क्योंकि राजा दक्ष जो है वो बहुत क्रोधित थे, उनको मानते ही नहीं थे। अभी आप लोग सुनना चाहते हैं तो सुन लेना, इस वीडियो कटिंग करके फिर से भी बता दिया जाएगा। राजा दक्ष मानते नहीं थे, जब उनके पत्नी को पता चला, जो हमारी माता है जिसका नाम था उमाशती, उमाशती को जब पता चलता है कि मेरे पिताजी यज्ञ करा रहे हैं, और यज्ञ करा रहे हैं उस दरमियान में हमारे ही पति को नहीं बुलाया जा रहा है, तो मतलब क्या है ये, महादेव से पहले शरारत होती है। बोलते हैं कि वो ऐसा कैसे कर सकते हैं, मैं जाती हूँ घर पे, मेरे पिताजी के घर पे मैं खुद जाती हूँ और मैं खुद स्वयं बात करूंगी, ब्रह्मा विष्णु महेश के बगैर कोई यज्ञ सफल नहीं होगा, आपने मेरे पति को यानी मेरे देवता समान पति को आपने बुलाया नहीं, उसका रीजन क्या हो सकता है, मैं तो बहसबाजी करूंगी। महादेव को सब कुछ पता होता है कि औरत तो औरत होता है, ये अपने पति की इज्जत करने के लिए किसी से भी लड़ जाएंगी। महादेव बोलते हैं कि हे देवी, जाने दो, जो हो रहा है होने दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पर उनको थोड़ा गुस्सा आ जाता है, उमाशती माता को गुस्सा आता है, और महादेव को बोलते हैं ठीक है, आप नहीं जा सकते, मैं तो उनकी पुत्री हूं, तो मैं तो स्वयं जाऊंगी, जो कार्य करना है मुझे मैं करके आऊंगी, और मैं चेतावनी दे दूंगी वहां पे, और आपको बुलाना पड़ेगा, मतलब राजा दक्ष आपको बुलाएंगे, जो मेरे पिताजी हैं वो आपको बुलाएंगे। अब आप लोग पूछते हो कि महादेव अघोरी क्यों बने, उसी की डिटेल में दे रहा हूं, आप सुने। जब उमाशती माता जब अपने पिता के भवन पहुंची, यज्ञ का सारी विधि विधिवत जो है कि मंत्र पढ़ा जा रहा था, और पहुंचते उमाशती बोलती हैं कि रुक जाइए, ये अनर्थ ना करें तो बेटर है, मतलब हम तो इंग्लिश बोल रहे हैं, वहां पे संस्कृति भाषा चलती थी, हिंदी पेवर, आप यज्ञ ना करें, ये अनर्थ कर रहे हैं पिताजी आप। तब उन दक्ष राजा उठते हैं और वो फिर वहां पर उनकी तूतू मैमय होती है, फिर उमाशती माता, जो उमाशती माता है वो उनको देखती है, फिर वो जब उनका दिमाग वहां पे जब देखते हैं कि ये लोग मानने वाले नहीं है, मेरा बाप खुद नहीं मानने वाला है, तो ऐसे नास्तिकों के बीच में रह के मैं क्या करूं। ब्रह्मा विष्णु भी उस यज्ञ के अंदर बैठे होते हैं, लेकिन उनको भी देखने के बाद जब सवाल करती हैं कि क्या आप भी चाहते हैं कि महादेव के बगैर यज्ञ हो सकता है, तो ब्रह्मा भी नहीं बोलते और विष्णु भी नहीं बोलते। जितने देवी देवता होते हैं वो कोई भी नहीं बोलता उनको। जब सती सोचती है कि चलो ठीक है, अब इनके बीच में रहना मुझे शोभा नहीं है और ना शोभा देगा, जब वो रिटर्न आती है तो उनके माइंड में ये पति बर्ता वाला, जो बोलते हैं ना पति को हम भगवान मानते हैं, पति मेरा पति परमेश्वर है, महादेव तो तीनों लोक के मालिक है, और इनको नहीं मानने की जो इनकी जो मूर्खता है, ये मैं पूर्ण नहीं होने दूंगी, मतलब यज्ञ को पूरा नहीं करने दूंगी, मैं अपने पति को अपनी शक्ल दिखाऊं, उससे अच्छा मैं अपने आप को नष्ट कर दूं। उमा शक्ति माता क्या करती है, हवन कुंड में वो छलांग लगाती है, हवन कुंड में चले जाती हैं, वहां जलना स्टार्ट हो जाते हैं, ये खबर महादेव को पता चलता है, महादेव अपनी दृष्टि में देखते हैं, गुस्से से जब राजा दक्ष के पास आते हैं, उनके जब हवेली में आते हैं, तो जब वो देखते हैं क्षति को वहां जलते हुए देखते हैं,
उनको गुस्सा आता है, वहां जो दंड देना था, आपने देखा होगा सीरियल वगैरह में कि राजा दक्ष मुंडी काट देते हैं, फिर बाद में मुंडी उनको दे देते हैं, बकरे का दे देते हैं। तो ऐसा सिर्फ सीरियल में दिखाया गया है। अघोरी क्यों बनते हैं ये सीरियल या कोई कथावाचक भी नहीं बता सकता, यहाँ बड़े बड़े पंडित, महान पंडित है, ये भी बताएं तो फिर मैं समझू। आज मैं आप सबको क्लियर कर रहा हूँ, खोल रहा हूँ जो वहां हमारी जो आस्था है, उस आस्था को किस तरीके से हमें बताना चाहिए उसे आप सुने। महादेव क्या करते हैं कि महादेव सनातन सत्य के एक पिलर हैं, एक मेन, जो ब्रह्मा विष्णु महेश भी उनके अंदर समाहित होते हैं। महादेव अगर नहीं होते तो ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु भी नहीं रहते, महेश ही ओनली फॉर रहते। लेकिन महेश जी ने उन दोनों जन को उपाधि दिया है भाइयों की, तो उनको इस सृष्टि में रखना जरूरी था। जब हवन कुंड में हाथ डालने की बात, अगर मान लीजिए चीता जलता है, तो चीता जलाने के लिए आपको उस समय क्या करना होगा, आपको चीता जो जलाते हैं उसको क्या बोलते हैं ना कि डोम होता है, जो चीता जलाने वाला डोम होता है, अब उनको जाना है, हवन में प्रवेश करना है, तो उन्होंने पहले अपने रूप को उन्होंने अघोरी बनाया। शिव जो थे वो सात्विक शिव थे, वो तामसिक में आए, तामसिक में अघोरी बने, पहले वो अघोरी बने, फिर हवन में गए और सीत उनको माता को पकड़ते हैं और कंधे पे लाद के लेके आते हैं, तो वो उनका भयंकर रूप होता है जो अघोरी का रूप होता है। उसी दरमियान में जब सती को लेके आते हैं, उमा सती को जब कंधे पे रखते हैं, जब पृथ्वी को नष्ट करने की कगार पे आते हैं, अब वो अघोरी क्यों बने, उसका रीजन, अघोरी बनने से पहले, हवन कुंड में जाने से पहले सारे शक्तियों को अपने काबू में कर लिया, उनको उनकी संतुलन कंट्रोल करने के बाद फिर अघोरी बने। अगर अगर वो शक्तियों को कंट्रोल नहीं करते तो अघोरी बनना पॉसिबल नहीं था उनका। तो सारे शक्तियों को संतुलन में लेने के बाद, अपने अंदर हजम करने के बाद वो अघोरी बने। अघोरी बन के हवन कुंड में उन्होंने छलांग मारा, फिर हवन कुंड से उमा सती माता को निकालते हैं, कंधे पर रखते हैं और वो निकलते हैं। अब वो अपने आप में नहीं होते, जब अघोरी जो होता है वो किसी के बाप का गुलाम नहीं होता, जो अघोरी शिव की साधना करता है वो किसी को भी नहीं मानता, वो सिर्फ शिव को मानता है। वो वहां पे ये नहीं चलता कि जिस तरीके से हम लोग सात्विक शक्तियों को सबको सम्मान देते, वो ऐसी चीजों को नहीं सम्मान देता, क्योंकि वो तामसिक शक्तियों को ही सम्मान देता है। तो महादेव जो अघोरी बने, और महादेव जब वो हवन कुंड में गए थे, उसी समय हवन कुंड के अंदर एक अलग दुनिया बनी और वहां पे अघोरी, अघोरी शब्द का स्थापना हुआ। आज भी आपको मैं बता देता हूं, जितने भी शमशान हैं, शमशान का राजा महादेव हैं। जब वहां पे जब कोई भी, जैसे आप, मुझे भी बहुत सारे अघोरियों की तंत्र काटना होता है, तो मैं महादेव का साथ तो लेता लेता हूं, सबसे ज्यादा साथ लेता हूं उमा शक्ति का। उन्होंने जो पहला रूप धारण करके अघोरी बन के उमा शक्ति को निकाला था, उसी रूप का मैं साथ लेता हूं, ठीक है। तो जब महादेव, जब माता को कंधे पर रखते, जब निकलते हैं बाहर, और जब उनकी जो गुस्सा और जो उनकी जो कड़क जो ये होता है ना, बोलते हैं ना, दंड देना है, सृष्टि को विनाश कर देना है, सृष्टि को विनाश करने के कगार पे आके खड़े हो जाते हैं। जब वहां पे खड़े हो जाते हैं और उनको महादेव को पता भी है कि सारे शक्तियों को संतुलन में लेने के बाद मैं ये कार्य कर रहा हूं, तब वहां पे ब्रह्मा विष्णु अपने अंदर बात करते हैं। फिर विष्णु जी सुदर्शन चक्र छोड़ते हैं, इसलिए सुदर्शन चक्र छोड़ते हैं कि माता सती का लाश यहाँ पे होता है कंधे पे, और बोलते हैं ब्रह्मा जी जब तक ये उनकी शव यहाँ पे पड़ा रहेगा शिव जी के कंधे पे, तब तक शिव का गुस्सा शांत नहीं होगा, तो शव को पहले वहां से हटाया जाए। तो सुदर्शन चक्र को छोड़ा जाता है, फिर अलग अलग अंग कट के गिरते हैं, जो हम 52 पीठों में हम याद करते हैं माता रानी को, वो उमा शक्ति माता है, ठीक है। तो ये है अघोरी बनने का स्वरूप महादेव का। इसमें सत्य है और इसमें असत्य वाली बात नहीं है। हालांकि मैं बता रहा हूं कि काफी जितने भी हमारे अघोरी भाई हैं, वो भी ये समझते नहीं है कि
अघोर का पूरा ज्ञान लेना चाहिए और पूरे ज्ञान को लेने के बाद आप साधना करते हैं तो आप सही तरीके से पास हो जाएंगे। अगर इसका ज्ञान नहीं लेके करते हैं तो धोखा मिलेगा, हर एक पग पे, हर एक चलने के रास्ते में, डगर में, हर जगह पे धोखा मिलेगा। इसलिए पहले जिस विद्याओं को सीखना चाहते हैं, जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उस क्षेत्र के बारे में पूरा ज्ञान होना चाहिए, उसके बाद आप कोई भी कार्य करें। ठीक है, शायद मेरे हिसाब से आपको महादेव को अघोरी बनने के लिए क्या करना पड़ा था, क्या रीजन था, इस वीडियो में आपको पता चल गया है। अब आगे सवाल करते हैं।